यूपी से हैं बीके जायसवाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हगिन जी आदाब। आदाब साहब आदाब। हगिन जी मेरी बेटी है करीब 42 साल की। हेलो। जी 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 जी, जी। 42 साल की है, उसके मोड़े में मतलब कंधे में बहुत दर्द है, हाथ उठता नहीं है। अच्छा कब से है ये परेशानी? ये बाएं हाथ में उसके है 3-4 महीने से है। ठीक है ठीक है, ये फिक्र ना करें। ऐसा कोई भी रोग जो किसी सूरत सही ना होता हो, जो मैं मशवरा दूं उसको आप ज़रूर करके देखें। इसमें मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक तो ऐसे बैठकर ये एक्सरसाइज करें 3 मिनट रोज़ाना, और एक ऐसे ऐसे ये पूरा मोड़ दें, ये भी 3 मिनट। अच्छा, एक साथ नहीं कर सकती बच्ची, तो एक एक मिनट करके 3 बार में करें, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा देखिए, एक गोंद आता है जिसको मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया और लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। आप अगर जुड़े हुए पहले से तो आपको पता होगा लोग कितना कितना फ़ायदा उठाते हैं, रोने लगते हैं आंसुओं से। तो ये गोंद स्याह इसे कहता हूँ मैं, और आसान जबान में काला गोंद भी कहते हैं। ये असली मिलना मुश्किल हो गया अब, वरना सब जगह असली मिलता था, अब सब नकल पे आ गए, वो एलवा दे देते हैं उसकी जगह। गोंद स्याह बिल्कुल अलग चीज़ है, एलवा नहीं है ये, कोई ढाका गोंद दे देता है वो भी नहीं है। ये गोंद स्याह अलग चीज़ है, आबनूस का एक पेड़ होता है जिस जो काले रंग का होता है। कभी इससे बांसुरी बनती थी, जब ये मेटल और ये प्लास्टिक नहीं चली थी तो उस वक्त में इसकी बांसुरी बनती थी, और इसे लकड़ी पूरी काली होती है, इसका गोंद भी काला होता है, बड़ा कड़वा होता है। असली ले लें, खाली 100 ग्राम भी असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है बच्ची के लिए। आधा ग्राम सुबह खिलाएं नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम, और ये एक्सरसाइज कराएं। आपको बड़ी खुशी होगी कि ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले बच्ची को निरोगी होना मुमकिन है। जी दिल्ली से हैं रश्मि, स्वागत है आपका। हेलो रश्मि जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हेलो, चलिए शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा रश्मि जी। अगर आपकी कॉल दोबारा नहीं लग पाती है, लाख आप प्रयास करती हैं, तो आपसे कहना चाहूँगी कि इंतज़ार नहीं करना है कि आपकी कॉल जब लगेगी तभी आप नुस्खे जानेंगी। देखिए दर्शकों, ये आप लोगों का लक होता है कि लाइव कार्यक्रम में आपकी हकीम साहब से बात हो जाती है, और बहुत दुख होता है हमें ये सुन के कि आप लोग इतने टाइम से इंतज़ार करते हैं कि हकीम साहब से बस बात हो जाए तभी हम लोग के अपनाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए आप कॉल ट्राई जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए। वहां पे जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो हकीम साहब द्वारा ही डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाते हैं, तभी वो आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आपकी कॉल किसी भी वजह से नहीं लग पाती है, कॉल आपकी ड्रॉप हो जाती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिएगा। इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ बोलो, आप बोलो। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंधे जी। यशपाल जी, आपका सवाल क्या है? ये रेक्टम के बारे में बताओ जरा, हमें रेक्टम बाहर आता है। हकीम साहब से कहते हैं। किसके बारे में? रेक्टम, रेक्टम। अच्छा, आपको तकलीफ क्या होती है? रेक्टम बाहर आता है मेरे को। अच्छा अच्छा, आप बम्बई से है शायद सिंधे साहब? मंसूर मंसूर। हाँ हाँ। अच्छा देखिए, एक तो खाना ऐसा खाया करें कि आसानी से हजम हो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नुस्खा क्या लेना है, और
लाजवंती 100 ग्राम, लाजवंती 100 ग्राम, और इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, कत्था सफ़ेद 100 ग्राम, जो पान वाला पान पे लगाता है ना कत्था, वो 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, और सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये असली लेना, बाकी तो सब असली मिलते ही हैं, लेकिन ये असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है। इन सबको पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम दूध के साथ लें, और काफ़ी दिन लेना होगा, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं कैलाशवती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आदाब। मैं ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती थी, उनकी ना उम्र 73 है। मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही, प्लीज। हाँ, तेज आवाज में बात कीजिए। आप अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं? उनकी ना उम्र 73 है। ठीक है। उनको ना डिप्रेशन है। डिप्रेशन है? हाँ, डिप्रेशन ऐसे हुआ कि मैं ना गिर गई थी तो मेरी टांग खराब हो गई, तो तब से ना इनको डिप्रेशन हो गया कि मेरा घर खराब हो गया। जी, डिप्रेशन है क्योंकि इनका एक पैर खराब हो गया है, उसको लेके वो डिप्रेशन में रहते हैं। अच्छा, इनका पत्नी का? जी ठीक है। हाँ देखिए, डिप्रेशन के वक्त ज़रूरत होती है एक अच्छे दोस्त की, और वो ऐसी बातें करे जो उसको पसंद हो, चाहे वो गलती क्यों ना हो। एक तो ये आप उन्हें रोज़ ऐसी सपोर्ट दिया करें कि उन्हें हौसला मिले, चाहे वो बातें गलत हों, समाज के लिए उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। डिप्रेशन में एक तारीफ़ भी बड़ा काम करती है, आप उनकी तारीफ़ किया करिए, आप तो ऐसे हौसले वाले हैं, और आपके तो अंदर तो ये बात इतनी अच्छी है, वो बात इतनी अच्छी है। ये तरीका है उस शख्स को हौसला देने का। ये तो हुई बातचीत से इलाज, एक इलाज बहुत अच्छा है और उसे कहते हैं यूनानी इलाज, 3-4 महीने इस्तेमाल करना चाहिए दवा, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, धनिया 300 ग्राम धनिए का दाना, ये इसका पाउडर बना लें 300 ग्राम, आंवला 150 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है उसको 150 ग्राम, और छोटी हड़ आती है उसको पहले घी में या तेल में भून ले, उसका पाउडर बना लें, ये भी 150 ग्राम, इलायची 40-50 ग्राम, छोटी इलायची जो हरी इलायची होती है 40-50 ग्राम, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद इसमें मिलाएं 150 ग्राम, खूब बारीक पाउडर बनाएं और 1 चम्मच उनको खिलाएं, चाहे तो दूध में मिलाकर भी खिला सकते हैं, पाउडर भी खिला सकते हैं, या इस सब पाउडर में इसके बराबर का आप शहद मिला दें और चम्मच से ऐसे मिक्स कर दें, तो ये एक अच्छा माजून बन गया। 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी से, और रात को पानी से दे दिया करें, ये उनका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है पंजाब से, राघवीर सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। आदाब। पता नहीं आवाज़ हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहूँगा कि आवाज़ कम आ रही है, हो सकता है आपने कम कर रखी हो। हेलो। हाँ जी जी जी, आदाब। गुरु जी, ऐसे है कि मैं लीवर फैटी है मेरा, तो मैं ले रहा हूँ अपना पी केयर कैप्सूल, तो साथ में ले रहा था जैतून का सिरका, हूं मैं बनाया अपना, मेरा कैटरोल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हूं मैं बनाया जूस अपना लसन का, नींबू का, अदकर का, जैतून का सिरका बिच पाया, अद्धा अद्धा लीटर बनाया, तो ये मैं कैप्सूल भी लै सकना। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी बेटा? अभी ना मेरे माड़ी माड़ी कदी कदी पीन पेन होंगी है, पेन लीवर की जगह थोड़ी थोड़ी पेन होंगी है, बाकी कैटरोल च फर्क है। ठीक ठीक।
और देखिए चर्बी का इस्तेमाल ना करें, जितना चर्बी का कम इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर एनिमल फैट, इतनी जल्दी ठीक होंगे। और ये पेट ठीक रहना ज़रूरी है, पेट आपका बिल्कुल सही रहे, यानी कब्ज ना हो, चाहे दो बार लेटिन जाना पड़े, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा, ये बहुत अच्छा है और अच्छी अलामत है, आप लगातार लेते रहें। और जो इलाज करना हो कर सकते, लेकिन आपको फ़ायदा शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कोई इलाज रोक दें, अपने डॉक्टर की बात ना माने, बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन इसको छोड़े नहीं, ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा। आने वाले 2-3 महीने में आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है जी। रांची से हैं विपिन गिरी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम जी। विपिन जी बताइए, सवाल कर लीजिए। मैं हाकिम साहब से बात करना चाहता हूँ। बात कीजिए जी। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। हाँ प्रणाम मैडम। ठीक है, आप सवाल करिए सीधा। प्रणाम मैम। हाकिम साहब आदाब। आदाब। आप टीवी से ना सुने प्लीज, आप हमसे डायरेक्ट बात कर लीजिए फोन पर। हाँ सर, हमने जैतून का सिरका मंगाया है। मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ और बीपी भी है जी। ठीक ठीक है। आपकी सवाल, आपका सवाल पूरा हो गया। हाँ, जैतून का सिरका मंगाया है, मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ और बीपी भी है मुझे, और पेट भी ठीक नहीं रहता है, तो इसको कैसे खाना है? और दूसरी बात, मेरा पैर बहुत झिनझिनाता है, उसके लिए क्या करूँ? ये दो सवाल है। ठीक, पहले मैं जवाब दे दूँ। इससे पहली कॉल जो आई थी उसका मैंने अधूरा जवाब दे सका। उन्होंने पूछा था पी केयर भी ले सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है पी केयर ले सकते हैं। इससे पहले जो कॉल आई थी जिनको लीवर में प्रॉब्लम थी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया, वो मंगाया है। ये 3-3 चम्मच दो बार पीना है जैतून का सिरका, और ये दोनों रोग के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। कुदरती एक चीज़ है, असली लिया है तो बहुत अच्छा है, इसमें नकली बहुत आ रहे हैं। 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर भी लिया जा सकता है। आप इन्हें लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और आपके दर्द का सवाल, दर्द है तो गौन स्याह असली लीजिए, आधा आधा ग्राम 2 टाइम खाइए खाने के बाद, इस सिरके के साथ भी ले सकते हैं। असली गौन स्याह आधा आधा ग्राम खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं मंजू, स्वागत है आपका। जी मैम प्रणाम। प्रणाम, बताइए सवाल कर लीजिए। कह रहा है जैसे मैं सो के उठती हूँ तो मेरे कमर से नीचे पैर में इतना दर्द होता है, सोने में भी होता है, लेकिन काम करती हूँ तो दर्द नहीं रहता है, लेकिन सो नहीं पाती। दर्द आपको कब से है? 5-6 साल हो गया। आपकी उम्र क्या है? 40 साल जी। अच्छा, देखो ये दर्द ऐसा होता है कि आदमी कि कमर में नसें दबी होती हैं, लेटने के समय वो और दब जाती है, और वो खून सप्लाई वाली रग जिसे साइटिक नर्व कहते हैं वो दब जाती है अक्सर, और इससे दर्द किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों में, कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी कूलों में। तो एक तो आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, ये कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है, नहीं तो आपको बहुत आसानी से फ़ायदा नहीं होगा अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो। फिर एक जो मैं गोंद का जिक्र करता हूँ, गोंद स्याह, एक काला गोंद को कहते हैं, आधा ग्राम सुबह खाएं आधा ग्राम शाम, लेकिन असली मिलना बड़ा ज़रूरी है। मेरे नाम पर कहीं ठगा ना जाएं आप, वो गोंद स्याह की जगह लोग एलवा दे देते या ढाक का गोंद दे देते, ये अलग गोंद है, असली ले, बहुत लोग नकली बेच रहे हैं। 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो देखिए बहुत पुराना दर्द है, असली लेने की कोशिश करें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद आधा ग्राम शाम को खाएं। 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम इतने में आ जाता है, ये 1 दिन की का इलाज है।
पाँच सात दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है, थोड़ा सब्र करना। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आप अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है जी।